बोलिए परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की। परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की। दादा नकुलदेव ढेड़ी अमर रहे। दादा नकुलदेव ढेड़ी अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, जय सतनाम। आज तुम गांव भोरिंग चौक के ये पावन भूमि में दादा नकुलदेव ढेड़ी जी की 110वीं जयंती समारोह में मंच में विराजमान आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री श्री दयालदास बघेल जी, छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, ये क्षेत्र के सांसद श्री चुन्नीलाल साहू जी, विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा जी, विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी, श्री संजय ढीढ़ी जी, श्री पूनम चंद्राकर जी पूर्व विधायक, डॉक्टर विमल चोपड़ा जी, श्री वीरेंद्र कुमार ढीढ़ी जी, श्री राजेंद्र भतपहरी जी, श्रीमती राशि त्रिभुवन महिलांग जी, श्री गंगा प्रसाद कुरिल जी, श्री त्रिभुवन महिलांग जी दो बार, श्री हरिभगत अंसारी जी, श्री श्याम नारंग जी, श्री राकेश चंद्राकर जी, श्री पप्पू पटेल जी, रमाकांत ध्रुव जी, श्रीमती गिरिजा आनंद पटेल जी और श्री रूप कुमारी चौधरी जी, हमार महासमुंद लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी और मंच में विराजमान सबो हमार महानुभवगण, महिला नेत्रीगण और आज के जयंती समारोह में उपस्थित ये क्षेत्र के सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति हमार माता बहनी मन, युवा साथी मन और मीडिया के मित्रगण, सबसे पहले तो आप सबला दादा नकुलदेव ढेड़ी जी की जयंती के बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। और मैं समस्त सतनामी समाज के आभार व्यक्त करना चाहूं कि आज के गरिमामय अवसर में हमला अपन बुलाओ, हमर सम्मान करो। आप मन के भी मोर तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। अभी दादा नकुलदेव ढेड़ी जी के विषय में हमार पूर्ववक्ता मन बहुत बात ला बताइन। ऐसे दादा नकुलदेव ढेड़ी ला मैं आज उमन के जयंती के अवसर में पुष्पांजलि अर्पित करत हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करत हूं, उमला मैं नमन करत हूं। एक गांव के रहिया और कम पढ़े लिखे भी जो समाज के लिए अपन जीवन ला समर्पित कर दिन और 150-150 एकड़ जमीन समाज के लिए दान कर दिन, ऐसे बहुत कम व्यक्ति ये दुनिया में होते हैं। तो मैं दादा नकुलदेव ढेड़ी जी भी होइन, वो सदैव अमर रही और उमन के बताए डगर में हमला भी चलना चाहिए, तभी ये जयंती मनाए के सार्थकता है। और परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी जो हमर छत्तीसगढ़ के देश के 18वीं सदी के महान संत होइन, जिस समय हमर देश में
भारी छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव रही ऐसे समय में पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के अवतरण हमारे देश में हुई और समानता के मन संदेश दें, मनखे मनखे एक समान, कि सभी मनुष्य एक हैं, कोई बड़ा या छोटा, कोई ऊंच या नीच नहीं है, ऐसा मनखे मनखे एक समान के शिक्षा देने वाला बाबा गुरु घासीदास जी होइन। और 20वीं सदी में दादा नकुल देव उमल्ला दुनिया के सामने में सबके परिचित कराइन, उमन के जो 18 दिसंबर ला हमन जयंती मनाथन, यही चौक में पहली बार पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के जयंती मना के शुरुआत करीन। ऐसे दादा नकुल देव ढढीला में पुनः प्रणाम करत हो। और बाकी बहुत विस्तार से बात हो चुकी से, ऐसे दादा नकुल देव के बताए हुए मार्गला हमला अपनाना है। और आज समाज के तरफ से काफी कुछ मांग आई से, तभी तो आचार संहिता है, लेकिन आचार संहिता के बाद में निश्चित रूप से वो मांग में सरकार के तरफ से विचार हो ही। और आप सबसे अंत में यही कहना है कि मैं आप मन के बीच के हूँ, एक गांव के किसान के बेटा हूँ, और इतने बड़े जिम्मेदारी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमर पार्टी दे है, और मोदी के गारंटी में आपन पिछले विधानसभा में विश्वास करके सरकार में बैठाए हो, तो आज पूरे समाज के तरफ से, दादा नकुल देव ढेढ़ी के तरफ से, बाबा गुरु घासीदास के तरफ से ये आशीर्वाद मिलना चाहिए कि ये जिम्मेदारी ला मैं ठीक से निभा पाऊं। ये 3 करोड़ छत्तीसगढ़ के जो जनता विश्वास करी से, उमन के विश्वास में पूरा पूरा खरा उतरो, ये आशीर्वाद आप मन सबसे चाहिए। और अभी ये 2.5-3 महीना में बहुत कुछ काम हमन करे हन, किसान मन के लिए, महिला मन के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए भी महतारी बंधन योजना में दूसरी बार किस्त भेजे हन। और मैं आश्वस्त करत हूँ कि हर महीना पहले सप्ताह में ही महतारी बंधन के पैसा उमन के खाता में हर महीना आ जाही। और सबला हमला मिल के छत्तीसगढ़ ला बहुत आगे बढ़ाना है। हमारे प्रधानमंत्री जी के जो सोच है, ये देश ला 2047 तक विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है। और आर्थिक रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी ये 10 साल में 11वें स्थान से 5वें स्थान में ला के खड़ा कर दिन है। और 2029 तक उमन के संकल्प है कि जो दुनिया के 3 टॉप मोस्ट जो आर्थिक रूप में जो हो ही देश, उमें भारत के भी नाम हो ही, 3 आर्थिक रूप से जो सबसे शक्तिशाली देश हो ही, तो इस सब में छत्तीसगढ़ के भी बड़ा भागीदारी हो ही। और छत्तीसगढ़ के भागीदारी हुई तो आप मन के भी भागीदारी निभाना पड़ी। और सब मिलके छत्तीसगढ़ बड़ा ये धनी प्रदेश है, खनिज संपदा से भरपूर है, वन संपदा से भरपूर है, यहाँ के धरती माटी खूब उपजाऊ है, मेहनतकस किसान है, सब मिलके अच्छा काम करबो तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ बहुत विकसित प्रदेश हो जाही। और आज के अवसर में आप सबके आशीर्वाद मिले विकसित छत्तीसगढ़ बनाए बर। और फिर से मैं एक बार दादा नकुल देव ढेढ़ी के जयंती के आप मनला बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हुए, और आज के अवसर में बुलाओ ओकर लिए पूरे समाज के आभार व्यक्त करते हुए मैं अपन बात ला अंत करत हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय सतनाम।